चाह से तुमको वहाँ मिलने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको वहाँ मिले यीशु बुलाता गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सो समझ कर उसे निहारो आनंद पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपको भी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रतिदिन की भांति आज भी प्रभु हम लोगों को एक मौका दिया है प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, लेकिन कई बार हम प्रभु से दूर जाते हैं जाने अनजाने में। प्रभु हम सबको एक नया दिन का वरदान दिया है, एक उपहार दिया है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद दें, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद दें। ना जाने कितने सारे लोग आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हम सबको आज का दिन देखने के लिए मौका दिया है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम अपने आप को जाँच कर देखें, टटोल कर देखे कि मैं किस प्रकार का जीवन जी रहा हूं। हम देखते हैं इसाईस का ग्रंथ अध्याय 1:18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम एक साथ बातचीत करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हीम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमीज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। प्रभु कहते हैं कि वो हमारे पाप को माफ कर देंगे, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31:34 में प्रभु कहते हैं, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। इसलिए आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, प्रभु से कहे, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। आइए हम अपने गलतियों को, अपने कमजोरियों को प्रभु के चरण में रखें और उनको स्वीकार करते हुए प्रभु से माफी मांगते हुए आइए हम प्रभु के पास लौटे, ताकि हम भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से इस पवित्र बलिभोज में भाग ले सकें। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। Thank you.
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने सारे निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें। जितने भी लोग भाग ले रहे हैं इस पवित्र बलि भोज में, आप लोग अपने निवेदनों को प्रभु के चरण में रखें। जो भी बीमार है, बीमार सदस्यों को प्रभु के चरण में रखें। अपने जरूरतों को, परिवार के जरूरतों को प्रभु के चरण में रखें। और आइए हम अपने सारे निजी निवेदनों को प्रभु के चरण में रखते हुए इस पवित्र बलि भोज में भाग लें। हम प्रार्थना करें। हे जगपालक प्रभु, तू सबकी देखरेख करता है, तू हमको हर प्रकार की हानि से बचा और हमें सब आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर। हम तुझसे यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, टोबित का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्या 5 से 17 तक। तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया, और अब मैं फिर अपने पुत्र टोबियस को देख सकता हूँ। अन्ना प्रतिदिन पहाड़ी की चोटी पर रास्ते के किनारे बैठी थी, जहाँ से वह दूर दूर तक देख सकती थी। वह किसी दिन इस प्रकार अपने पुत्र के आने की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी कि उसने उसे दूर से आते देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और दौड़ती हुई अपने पति से पुकार कर कहा, सुनो, तुम्हारा पुत्र आ रहा है। उधर राफाएल ने टोबियस से कहा, अपने घर पहुंचकर सबसे पहले प्रभु ईश्वर की आराधना कीजिए और उसे धन्यवाद दीजिए। इसके बाद पिता के पास जाकर उसका चुंबन कीजिए। उनकी आंखों पर मछली के उस पित्त का लेप दीजिए जो आपके पास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आंखें तुरंत खुल जाएगी, जिससे आपके पिताजी सूर्य का प्रकाश देख सकेंगे और आपके दर्शनों से आनंदित हो उठेंगे। जो कुत्ता उनके साथ गया था वह दौड़ता हुआ उनसे आगे बढ़ा और खुशी के मारे दुम हिलाता हुआ उनके आगमन की खबर देने आया। तब अंधा पिता उठकर खड़ा हो गया और लड़खड़ाता हुआ दौड़ने लगा। वह नौकर का हाथ पकड़कर दौड़ता हुआ अपने पुत्र की अगवानी करने निकला। उसने उसे गले लगा लिया और उसका चुंबन किया। उसकी पत्नी ने भी यही किया और दोनों आनंद के अतिरेक से रोने लगे। ईश्वर की आराधना तथा धन्यवाद करने के बाद वे बैठ गए। तब टोबियस ने मछली का कुछ पित्त लेकर अपने पिता के आँखों पर लगा दिया। आधा घंटा प्रतीक्षा करने के बाद अंडे की छिल्ली की तरह एक सफ़ेद पदार्थ उसकी आँखों से निकलने लगा। टोबियस ने उसे पकड़कर अपने पिता की आँखों से अलग कर दिया और उसी समय उसकी आँखों में फिर ज्योति आ गई। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और अपने सभी परिचितों के साथ
ईश्वर का धन्यवाद किया। टोबित ने कहा, हे प्रभु इसराइल के ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। तूने मुझे दंड दिया और तूने मुझे स्वस्थ भी किया, और अब मैं फिर अपने पुत्र टोबियस को देख सकता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूँगा, अपने ईश्वर के आदर में सदा गीत गाता रहूँगा। भजन अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दलितों को न्याय दिलाता, वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। भजन अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु अंधों की आँखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है, वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। भजन अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है, प्रभु सियोन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। भजन अनुवाक्य, मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करे। जय घोष, अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वो मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 12, पद संख्याएं 35 से 37 तक। यीशु ने मंदिर में शिक्षा देते समय यह प्रश्न उठाया, शास्त्री कैसे यह कह सकते हैं कि मसीह दाऊद के पुत्र हैं? दाऊद ने स्वयं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा है, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। दाऊद स्वयं उन्हें प्रभु कहता है, तो वो उसके पुत्र कैसे हो सकते हैं? एक विशाल जनसमूह बड़ी रुचि से यीशु की बातें सुन रहा था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। हम अपने सारे प्रार्थनाओं को, निवेदनों को भेंट के साथ प्रभु को चढ़ाएं। दीन जनों के उपहारों को आवन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों धन उपजाती है तेरी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाते अपने इस धरती के फल को अपने इस धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो अपना लो प्रभु स्वीकारो।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे प्रेम पर भरोसा रखकर हम ये उपहार तेरी पवित्र वेदी पर चढ़ा रहे हैं। जिस संस्कार का समारोह हम मना रहे हैं, उससे तेरी कृपा प्राप्त कर हम पवित्र हो जाएं। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त प्रभु मर गए, ख्रीस्त प्रभु जी उठे, ख्रीस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनर्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी शुद्धि ले जो पुनर्थान की आशा में
परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाए हुए उस सुंदर प्रार्थना को एक साथ दोहराएं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे स्थिति पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें। और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो उनके भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू हमें अपने पुत्र के शरीर और रक्त को आध्यात्मिक भोजन के रूप में देता है। हमारी विनय है कि तू हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। इस प्रकार हम केवल वचन से ही नहीं बल्कि कर्म से भी तेरी इच्छा पूरी करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा ले, ख्रीस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद।